दिल्लियों परते सिद्धू वालों मंत्रियों विधायकों के नाल मीटिंगा का सिलसिला जारी। सुनील जाखड़ नूं भी मिले नवजोत सिद्धू। हरीश रावत की सीएम कैप्टन के नाल मुलाकात। कैप्टन की नाराजगी के चर्चा दरमियान कैप्टन नूं मिले रावत। रावत की मीटिंग दी तस्वीरां आईयां बाहर। कैप्टन दी सोनिया नूं चिट्ठी। सिद्धू नूं प्रधान बनाउण ते चुके सवाल, बोले दो फाड़ हो जाएगी कांग्रेस। स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब च ते मैं तुहाडे नाल दुबारा तो प्रिंस तागरा। एक बार फिर तो गल करांगे पंजाब कांग्रेस दे। शुरू करते हैं पंजाब कांग्रेस के कलेष नाल जुड़ी वड्डी खबर दे नाल। हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंच गए ने ते सिस्वा फार्म हाउस च सीएम कैप्टन नाल मुलाकात करते हैं। सीएम कैप्टन ने सोनिया गांधी नूं चिट्ठी लिख के सिद्धू की संभावी प्रधानगी तो नाराजगी जाहिर की सी। हाईकमान ने पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश रावत की ड्यूटी मुख्यमंत्री कैप्टन नूं मनाउण दी लगा दी है। तो अज हरीश रावत सीएम कैप्टन के नाल मीटिंग कर उन्होंने सिस्वा फार्म हाउस से पहुंचे ने। तो उधर ही दूजे पासे तो इस विचाले वड्डी खबर हुण सामने आई है कि अमरिंदर सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि हाईकमान का फैसला उन्होंने मंजूर होगा। उन्होंने कहा था व्हाटएवर डिसीजन विल बी टेकन बाय द कांग्रेस प्रेसिडेंट बाय द सीपी दैट विल बी ऑनर्ड बाय मी आई विल अबाइड बाय दैट। तो ही रिट्रिएटेड दैट स्टेटमेंट टुडे आल्सो। मैं आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बाकी सब चीजें आप जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि और पत्रकार। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज का मैटर नहीं दूंगा। मैं जो कैप्टन साहब ने मैंने कहीं ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने एक बात कही आपसे कि उन्होंने फिर से अपने पुराने बयान को जो मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा बयान है और उसको उन्होंने दोहराया है और कहा है कि जो कुछ निर्णय आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट लेंगी कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको फॉलो करें। पहली बड़ी खबर, हरीश रावत ने बयान दिता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जो फैसला हाईकमान करेगी वही फैसला मेनू मंजूर होगा। हाईकमान का हर फैसला मंजूर होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है। इस वेले की वड्डी खबर, कैप्टन ते हरीश रावत की मीटिंग खत्म हो चुकी है। तो मीटिंग तो बाहर आए हरीश रावत ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि जो फैसला हाईकमान नूं मंजूर होवेगा उही उन्हां नूं मंजूर होवेगा। जे गल करिए कि कैप्टन नूं हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू नूं प्रधान थोपदी है तो उन्हां नूं इस बयान दे सहारे जे आपां गल करिए कि जो हाईकमान नवजोत सिद्धू नूं प्रधान बनाउंदी है पंजाब दा ते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कोई आपत्ति नहीं होवेगी। पर फिर इस दे नाल ही जो चिट्ठी दी गल चल रही है उसके मायने की होणगे इसका हाले सामने आना बाकी है। इस वेले की वड्डी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों बयान दिता गया कि जो फैसला हाईकमान करेगी वही फैसला मंजूर होगा। ये तस्वीर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते हरीश रावत के नाल मुलाकात दिया। तो उस तो बाद हरीश रावत का हुणे तुहानू बयान सुनाया कि बयान दे विच उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है जो हाईकमान फैसला करेगी वही फैसला उन्होंने मंजूर होगा। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उस राज्य का प्रभारी हूँ पार्टी की तरफ से जिस राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन।
हमारी बहुत उपयोगी बड़ी शानदार बातचीत रही। सिद्धू साहब को लेके क्या बात? कुछ उनके पेंशन, कुछ उनके पेंशन थे, कुछ उनकी कुछ उनकी मेरी समझ से सवाल थे जिसका निदान मुझको करना है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दिन के उजाले की तरीके से साफ है कि कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी ने जो पहले एक महान बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था व्हाटएवर डिसीजन विल बी टेकन बाय द कांग्रेस प्रेसिडेंट बाय द सीपी दैट विल बी ऑनर्ड बाय मी आई विल अबाइड बाय दैट। तो ही रिट्रिएटेड दैट स्टेटमेंट टुडे आल्सो। मैं आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बाकी सब चीजें आप जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि और पत्रकार। मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज का मैटर नहीं दूंगा। मैं जो कैप्टन साहब ने मैंने कहीं ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने 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 एक बात कही आपसे कि उन्होंने फिर से अपने पुराने बयान को जो मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा बयान है और उसको उन्होंने दोहराया है और कहा है कि जो कुछ निर्णय आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट लेंगी कैप्टन अमरेंद्र सिंह उसको फॉलो करेंगे। साढ़े नाल अनिल भारद्वाज जुड़ चुके ने। अनिल की जानकारी है ते हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह दी ते हरीश रावत नाल मुलाकात खत्म हो चुकी है। जी बिल्कुल, मुलाकात खत्म हो चुकी है, अगले ऐलान का इंतजार है। सिद्धू पूरी तरह सरगर्म हो गए ने, चंडीगढ़ पहुंच चुके ने और संभावनावां जिहड़ियां है वो बिल्कुल यही ने कि कुछ टाइम बाद जिहड़ा है वो ऐलान हो सकता है। पर उत्थे ही है कि सदे कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों पक्ष तों कोई एस सच ऑफिशियल तौर पर कोई जानकारी नहीं आई, सो इस करके थोड़ा जिहा अंदेशा हले भी बरकरार है। थोड़ी देर जिहड़ी है चीज क्लीयर हो जाए। जी अनिल, जिस तरह हरीश रावत का बयान आया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि उन्होंने हर फैसला हाईकमान का मंजूर होगा, पर जे हाईकमान का फैसला उन्होंने कहना उन्होंने कहने का भाव से कि जो पहला वो बयान देते हैं हाईकमान का जो फैसला मंजूर है वही फैसला मंजूर होगा, फिर जो उन्होंने वालों नाराजगी जाहिर की गई थी उसका की मायना है? देखो मैं जो बयान समझो मैं मतलब कट रहे हो मेरे ख्याल हरीश रावत उदों की गल कर रहे हैं जदों वो दिल्ली सोनिया गांधी ने मिलकर बाहर आए थे उस टाइम उन्होंने कहा जी कि मैं जो भी सोनिया गांधी का फैसला होएगा प्रधान का फैसला होएगा वो मैंने मंजूर होएगा जी। शायद उस बयान के संदर्भ चो गल कर रहे हैं, पर हले भी मतलब इस करके जदों तक ऑफिशियली कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कोई ट्वीट आ जाए या उन्होंने खुद कोई होर बयान आ जाए या वो खुद अपीयर होकर गल कर देन उदों तक हले भी सस्पेंस जिहड़ा वो बरकरार है। सस्पेंस हाले तक बरकरार है। तो एक तस्वीरां दे विच देख सकते हैं असीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल मुलाकात है, दूसरे पासे नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ही अपने जो मंत्री ने या विधायक ने उन्होंने मीटिंग करते हैं, तो हुण इधरों भी मीटिंग खत्म हो चुकी है, अगला स्टैप देखना होगा कि किस तरफ मोड़ लैंदा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस नजर हूँ ये पी है कि ऑफिशियल जोड़ा ऐलान है वो किस रूप हों हरीश रावत करते हैं या कोई चिट्ठी जी कांग्रेस हाईकमान को जारी होती है, जो सिद्धू की बॉडी लैंग्वेज है जो सिद्धू की सेहत की गतिविधियां है उतो यही संकेत मिल रहा है कि वो मुख्यमंत्री कैप्टन रावत सर सामने और हमारी हमारी बहुत उपयोगी बड़ी शानदार बातचीत रही। सिद्धू साहब को लेके क्या बात? कुछ उनके कंसर्न थे कुछ उनकी सिद्धू को लेके नाराजगी थी कुछ उनकी मेरी समझ से उचित सवाल थे जिसका निदान मुझको करना है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दिन के उजाले की तरीके से साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो पहले एक महान बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था
whatever decision will be taken by the Congress president, by the CP, that will be honored by me. I will abide by that. So he reiterated that statement today also. मैं आपसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बाकी सब चीज़ें आप जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि और पत्रकार। जी अनिल, जिस तरह हुणे बयान सामने आया कितने ना कितने देखने में भी लगता है कि हरीश रावत ने कोई सुखावा बयान नहीं दिता है कि जिस तरह कई बार पहला इन्होंने बयान आए ने कि दो तीन दिन के सब खत्म हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, पर इस बार कैप्टन के नाल मीटिंग करने तो बाद कोई इस तरह का बयान नहीं सामने आया कि कुछ देर बाद सब क्लीयर हो जाएगा या फिर सब सही है। देखो वही गल आ गई जो आप पहला चर्चा करके हटे हैं, हरीश रावत ने यह नहीं किया कि मेरे नाल उन्हें गलत, वो कह रहे हैं उन्होंने जो पहला महान बयान दिता सी जी जो पार्टी प्रधान का फैसला होगा मैंने मंजूर होएगा जी, अज की पोजीशन की है कैप्टन अमरिंदर की वह हले समझ आ रही है जी, ऑफिशियल तौर से ऑफिशियल तौर पर आएगी या सूत्रों के हवाले तो आएगी जिमें ही आती है आप सारी साझी करा, बट साफ तौर पर यह कहा है कि पार्टी आला कमान का जो फैसला होगा वही उन्हें मंजूर होगा, और ऐसे में तमाम चीजों पर डिस्कशन जो है वो हरीश रावत और कैप्टन का हुआ है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली जाकर हरीश रावत क्या कुछ फीडबैक देते हैं, आज की इस बैठक का क्या निष्कर्ष निकला है और पंजाब की कांग्रेस की भविष्य के लिए क्या कुछ निर्धारित किया जाता है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज चंडीगढ़। सो अनिल, जो असी गल कर रहे थे कि हरीश रावत वालों इस तरह का कोई बयान नहीं दिता गया कि कुछ समय दे विच सब सही हो जाएगा या फिर सब कुछ सही है, पर कितने ना कितने ये जो चीज़ है कितने ना कितने दिखती जरूर नज़र आ रही है कि सब कुछ सही नहीं हुंदा होया नज़र आ रहा, चाहे सवेर तो तस्वीर कुछ होर बयान कर दी सी। जी बिल्कुल, सब कुछ सही नहीं है, आप जो बात सवेर तो जी चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के रवैये से ही डिपेंड करना है कि वो जो उन्होंने पहला गल कही है जिदा हरीश रावत हमने गल कह रहे थे, सोनिया गांधी जो मुलाकात हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा मैं उसके सहमत होवांगा जी, हुण जो उन्होंने जो जानकारी मिल गई मिली रिपोर्ट आईया कि नवजोत सिद्धू बनाया जाए तो उन्होंने कल चिट्ठी लिखती, सो इतने यह नहीं है कि उन्होंने कह जरूर दिता उस टाइम कि जो फैसला होगा मंजूर होगा, बट सिद्धू को लेकर उन्होंने रिजर्वेशन है बिल्कुल, सो इस करके हले तक भी जोड़ा है वो रेट का बरकरार है, हो सकता है जिसने लग रहा है जिम्मे कि अनाउंसमेंट हो जाती है पर हूँ है कि हो सकता है अनाउंसमेंट के थोड़ी होर देरी हो जाए, बट सिद्धू का जो है अब बॉडी लैंग्वेज सिद्धू का मराल बहुत हाई है, उन्होंने नाल कि विधायक ने कि मंत्री ने वो भी हौली हौली सामने निखर के आना शुरू हो गया, राजा वड़िंग जिम्मे उनकी गड्डी चला के ही गए ने, दर्शन सिंह बराड़ों की गड्डी बैठ के गए ने जी, पाड़ा कुलवीर जीरा वो सारे जेडे उन्होंने नाल मौजूद रहे, सुखजिंदर रंधावा चन्नी बाजवा वो ऑलरेडी उन्होंने नाल है, जो इस प्रगट सिंह ऑलरेडी नाल है उन्होंने, सो ये चीजा जड़िया है काफी कुछ इशारा कर रही है, एक बहुत जबरदस्त जी लॉबिंग है वो इस वे कांग्रेस के चल रही है, तड़ेबंदी हो चुकी है उधर उधर के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उन्होंने भी जी अगर कुछ कोई लैटर लिखा है तो ये पिछे नंबर गेम बहुत मैटर करती है, सो ये चीज जी है हौली हौली जी थोड़ी टाइम चुकी है करना पड़ेगा तड़ेबंदी कैप्टन वालों की निकल के आना है, कैप्टन दे धड़े वालों की सामने आंदा वो देखना जरूर बाकी है। बिल्कुल प्रिंस, यही चीज है, सिद्धू मंत्रियों नूं मिले ने, सिद्धू उन्हां दे घर गए ने, किसी दे भी कोई घर आंदा है कर्टसी से अगर उत्थे ओह जांदा तां कोई ये नहीं कहता हूं कि सारे मिले जरूर ने, बट जे आप धड़ेबंदी की गल करिए धड़ेबंदी के क्लीयर कट जो मंत्री हले तक नजर आ रहे हैं वो सिर्फ तीन है, तृप्त रजिंद्र बाजवा, सुखजिंदर रंधावा और चरणजीत चन्नी, इस तो अलावा MLA की गल कर लीए राजा वड़ेग, कुलवीर जीरा, दर्शन बराड़ और बरिंदरमीत सिंह पाड़ा और गुबाया, ये कुछ मंत्री ने जिहड़े अपने MLA ने जिहड़े उन्होंने नाल नजर आ रहे हैं जी।
जी इस तरह ही कल की गल करिए तो चर्चावान का दौर इन्ना ज़्यादा गर्म हो गया इन्ना ज़्यादा वध गया कि सिद्धू के वड्डे वड्डे पोस्टर लग गए लोगों ने लड्डू वंडने शुरू कर दिए वो सके जेड़े ग्राउंड के समर्थक तो अज जो सामने आ रहे हैं जो उन्होंने नाल लैके घूम रहे हैं नाल जाके मिल रहे हैं वो धड़ा मजबूत हो रहा है जी बिल्कुल हले हूँ गल तो उसे नंबर गेम भी है अस्सी एम एल ए ने कांग्रेस ने जी अस्सिया के बिचों जेडे खुल के सामने दिख रहे हैं वो गिनती एड्डी वड्डी हले फिलहाल नहीं दिख रही लेकिन अल्टीमेटली अगर गिनती जिथे तक पहुंचती है वो दिखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा क्योंकि एक दो नवे चेहरे जेड़े है अज नाल दिखे हैं राजा बड़िंग दर्शन बराड़ बिल्कुल खुल के जेड़ा है वो इतने आ गए होर केड़े केड़े चेहरे होर केड़े केड़े एम एल ए सिद्धू के नाल आने हैं जी जी अनिल जी इसे ते ही आप चलीए कि जो अज सवेरे मीटिंग हुई है सुनील जाखड़ की नवजोत सिंह सिद्धू की तो सुनील जाखड़ पिछले दिनों में कि ना कि बयान देंदे नजर आए सन कि कांग्रेस के लिए जो मैं कुरबानी देना चाहवागा मैं कुरबानी दे देवगा जो उन्होंने इन्नी गल कही कि पूछा गया उन्होंने कि तुसी अपना पद छड़ दोगे तो उन्होंने इन्नी गल जरूर कही सी कि जो भी मैं कुरबानी देनी पेगी मैं दे देवगा तो उस दे नाल ही कितने ना कि गल करते नजर आते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही 2022 का भी चेहरा होंगे तो हो सकता है कि जो सुनील जाखड़ ने उन्होंने चाहे प्रधानगी मिले चाहे ना मिले वह दोनों पास ही संभव हो तो यह भी मायना कितने ना निकल सकता अज की तस्वीर का देखो ये चीजा जी है क्लीयर होनी है प्रधान की अनाउंसमेंट तो बाद जी तो बाद मतलब क्लीयर तो पहले ही हो जाएगी उनकी कंसोह आनिया शुरू हो जाएगी बट धड़ेबंदी जी है प्रधान की अनाउंसमेंट तो बाद बिल्कुल खुल के सामने आएगी कितने कितने कौन कौन खड़ा है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा जितों तक कहानी है सुनील जाखड़ जो बयान की तुम गल कर रहे हो सुनील जाखड़ ने जो बयान दिता क्योंकि उस टाइम इतनी चर्चावान से उन्होंने कहता कि मैं छड़न को तैयार है जी जे वो ये नहीं भी कहते कि मैं छड़न को तैयार है और पार्टी चाहे तो हटा सकती है तो इस करके एक पार्टी के वर्कर होने के नाते जो पार्टी जिम्मेदारी ला रही है उसे ज्यादा कोई जरूरी नहीं है कि इतने ही हो सकता आने वाले टाइम उन्होंने कितने सेंटर से एडजस्ट करता जाए या असम मैंबर बनाता जाए इस तरीके से बहुत सारिया चीजा है देखने को मिलती है हूँ इतने आप देखना पड़ेगा कैप्टन अमरिंदर के संबंध वो ट्वीट जिसे किया गया कि 2022 चोणा च कांग्रेस को लीड करने के जित दवाण वास्ते कैप्टन अमरिंदर स्पष्ट किया गया कि जरा वो हो गए इस संकेत दूसरा कल की चिट्ठी ये पूरे संकेत ने कैप्टन अमरिंदर छेती छेती एक्सैप्ट करने वाले नहीं ने कि जड़ा है अपना उन्होंने मन मुताबिक प्रधान ना बने पर पॉलिटिक्स है बहुत सारिया चीजा हो जाए हो सकता है कि कोई टाइम बढ़ सकता है बट हले तक कैप्टन अमरिंदर के जो सैक्शन है कैप्टन अमरिंदर का जो पक्ष है वो हले तक ऑफिशियल सामने नहीं है जी जी अनिल जी तुसी हमेशा ग्राउंड दे विच रहंदे हो ग्राउंड नाल जुड़े हुए हो तुसी आण वाली 2022 दी चोणां दे विच धड़ेबंदी दा प्रभाव किस तरह देखदे हो तुसी ग्राउंड दे विच रहंदे हो ग्राउंड दे विच लोकां नूं मिलदे हो अलग अलग समर्थक ने कैप्टन दे समर्थक वख ने सिद्धू दे समर्थक वख ने ते 2022 दी चोणां जे इस तरह रहा जिस तरह धड़ेबंदी रही ते किस तरह दा नजरिया तुहानूं नजर आ रहा है चीजां दो है अगर ए सवाल उदों खड़ा होएगा अगर प्रधान की अनाउंसमेंट तो बाद चीजा समूथ हो जाए कांग्रेस कांग्रेस की चीजा समूथ नहीं होंगे मुख्यमंत्री का कैंडीडेट कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं ऐलाना जाता वो चीजा जी है वह काफी ज्यादा मायने रखियां पहला तो यही देखने वाली गल है हले इलेक्शन का आना बाद भी दूर की गल है यह भी देखने वाली गल होगी कि किड़ा किड़ा लीडर पार्टी च रहा और किड़ा कितने होर चला जाता जी ये धड़ेबंदी इस तरीके की होंगी है तो वो भी चीजा देखने वाली हो कांग्रेस वास्ते लाहेवंद चीज है कि यह धड़ेबंदी खत्म हो गए सारे इकट्ठे होण बट अगर एक धड़ेबंदी चलती है धड़ेबंदी यह भी हो सकता है कि पार्टी के बीच रह के ही धड़ेबंदी चली जाए या पार्टी तो अलग होकर कोई होर रुख अख्तियार कर लिया जाए जी अगे की गल करांगे कैप्टन अमरिंदर सिंह का हुण आना बाकी है कि उन्हां वल्लों की बयान निकल के सामने आता है अते उन्होंने वालों जी गलबात रखी गई है वह की निकल के आती है क्योंकि हरीश रावत वालों जो बयान दिता गया है वह कितने ना कि पुराना ही बयान है उन्होंने पर उन्होंने वालों कोई सुखावा बयान नहीं दिता गया जी बिल्कुल ये चर्चा जी है चर्चावान बिल्कुल अपना आप कह सकते हैं निकड़ के सामने आ रही हैं बिल्कुल पुण पुण के जानकारी लिखिया आ रही हैं और शाम तक सारी जी तीर हो जाएगी कुछ टाइम तक हो सकता कोई ना कोई
ऑफिशियल ट्वीट आ जाए या कोई अनाउंसमेंट हो जाए। दिखाई चीज यही है कि अनाउंसमेंट कदों होती है और अनाउंसमेंट के जिहड़े अगे आफ्टर इफेक्ट ने साइड इफेक्ट ने वो की होंगे। लगातार ही सस्पेंस जिहड़ा है बनिया होया है ते अज भी जिहड़ा किते ना किते सवेरे जी अनिल साडे नाल जुड़े रहो ते साडे नाल जुड़ चुके ने रूबी गिल जुड़ चुके ने उन्हां नाल गलबात कर लैने कांग्रेस के बुलारे ने उन्हां नाल गलबात करदे ने। जी रूबी किस तरह का तुसीं देख रहे हो अज का सारा माहौल? देखो जी कोई माहौल वाली कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी एक लोकतंत्रक पार्टी है जिंदे विच हमेशा ही हर वर्ग की गल सुनी जाती है, हर लीडर की गल सुनी जाती है, हर वर्कर की गल सुनी जाती है। ते कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है किसी अकाली दल नाल तां मीटिंग है नहीं सी, ना तां बीजेपी नाल सी। सिद्धू साहब भी कांग्रेस के लीडर ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी कांग्रेस के लीडर, रावत साहब साडे इंचार्ज ने। तो बस कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है विच 2012 की 2022 की व्यौतबंदी है, तो विरोधियों की बुखलाहट है, तो मीडिया की ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ, ਚਲੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ 2022 ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਹੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਰੂਬੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 2022 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, 2 ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, 1 ਵਾਰ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ, 1 ਵਾਰ ਲੰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਬੈਠੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬੁਲਾਰੇ ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਿਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ बुजुर्ग नेता है यार, हमें इस बात का ना तो मैंडेट है ना हमें कुछ पता है। सिद्धू जी, लाल सिंह जी को बुजुर्ग नेता हैं, बड़े नेता हैं, मास्टर हैं, कांग्रेस का दिमाग हैं, उनको मिलने के लिए आए। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 70 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इन्ना ही। तमाम खबरों लिए जुड़े रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब के नाल।